थानेदार और सब इंस्पेक्टर में जमकर मारपीट, दोनों निलंबित। पाकुड़ जिले में ड्यूटी को लेकर उत्पन्न विवाद में थानेदार और सब इंस्पेक्टर के बीच हुई नोकझोंक के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पुलिस पदाधिकारी के बीच मारपीट शुरू हो गई। जब इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन को मिली तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर जफर आलम और हिरनपुर थानेदार मदन कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी मदन कुमार ने सब इंस्पेक्टर जफर आलम को गश्ती में जाने को ड्यूटी दी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहां सुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान सब इंस्पेक्टर जफर आलम घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दन ने मामले की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल को दे दिया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एसपी को रिपोर्ट समर्पित की और तब थानेदार और सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। इस मामले में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि ड्यूटी नहीं जाने को लेकर थानेदार और सब इंस्पेक्टर के बीच कहासुनी हुई और फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच कर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को दे दी गई। इसके बाद दोनों को निलंबित करते हुए हिरनपुर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार को थानेदार बनाया गया।